एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं 3-4 दिन बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और आज है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है 6। तो अभी ओकेजन है क्रिसमस का, न्यू ईयर का। तो आई होप आप लोग बहुत घूम रहे हो, पिकनिक कर रहे हो, पर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोगों का प्लानिंग था, हो भी गया था, आधा से ज़्यादा काम हो भी गया था चेन्नई जाने का, तो सब कुछ हो गया था, पर सुमन को छुट्टी नहीं मिला इसलिए हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा। हम लोग जा रहे थे चेन्नई, कितना मज़ा होता ना, पर आई होप नेक्स्ट ईयर जाएंगे। पर कोई बात नहीं, छुट्टी ना मिले तो कुछ हम लोग नहीं कर सकते। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ मार्केट। तो एक्चुअली मेरा मन है मैं इस साल क्रिसमस ट्री सजाऊँ। कोई भी साल मैं नहीं सजाती, पर इस साल मैं सजाऊंगी। तो मार्केट जा रहे, देखती हूँ क्रिसमस ट्री लाऊंगी, छोटा बड़ा जो भी मिलता है, और उसके साथ जो सब डेकोरेशन का चीज़ें मिलता है ना वो भी लाऊंगी अगर मिल जाए तो। तो चलिए, अभी मैं रेडी तो हो गई हूँ। तो अभी और आज बाहर जो ठंड है ना, इस तरह से जाने को मन कर रहा है, इस तरह से ही जाने पड़ेगा मुझे, इस तरह से बहुत ठंडा लग। चलिए सुंदर, जो भी आर्ट था बहुत ही सुंदर लगा। और इधर प्रोग्राम हो रहा है अभी, अपना फेवरेट खाना क्या बोलते हैं उसको, लिट्टी चोखा। और मैं पी रही हूँ ये तंदूरी चाय, जंक्शन मॉल का बाहर ही है ये चाय का दुकान, बहुत ही टेस्टी होता है ये तंदूरी चाय पीने में। वैसे मैं बाहर चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती हूँ, पर ये तंदूरी चाय मैं ज़रूर पीती हूँ इधर आती हूँ तो। पर मॉल नहीं जाऊँगी, हाथ पर एकदम ठंड पड़ रहा है मेरा। और ये रहा बाहर जंक्शन मॉल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे, अभी है सुबह का टाइम, बज रहा है 10 और मैंने राइस और दाल चढ़ाया है, वो हो जाए उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। उससे पहले मैं जो करूंगी, ये जो कल मैंने खरीदारी किया है ये क्रिसमस ट्री, ये अभी इसको समेटना पड़ेगा, मतलब इस तरह से कुछ होता है आप लोगों को पता ही होगा। तो ये अभी मुझे ठीक करना है और मैंने कुछ और भी खरीदारी किया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
बहुत ही क्यूट क्यूट चीजें था उस दुकान पर, मुझे तो सब कुछ ही पसंद आ रहा था, पर प्राइस भी ज्यादा था तो इसलिए मैंने नहीं खरीदा अपना। तो सबसे पहले मैं जो दिखाऊंगी ना, तो ये क्रिसमस संता का जो टोपी होता है ये वाला, ये मैं पहनूंगी। हाँ तो अब ठीक है, चलो बाल खोल लेती हूँ। अब अच्छा लग रहा है ना। और ये एक स्टार है, तो ये मैं भी सजाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और सबसे क्यूट वाला है छोटा छोटा सांता है इधर, ये 6 पीस ₹50 लिया और ये सब 10 ₹5 करके इसका प्राइस है। ये ढोलक कितना प्यारा है ना, छोटा सा। तो मैं जो ये क्रिसमस ट्री है तो इसको मैं इस टी टेबल पर प्लेस करूंगी और इसमें ही सजाऊंगी। तो चलिए देखती हूँ किस तरह से जो कटन वो बहुत दिन से था, ये कैंटीन का माल है, मिलता है तो मेरा यूज नहीं होता है, तो इसके बाद भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ क्योंकि मेरा नेल पेंट जो है वो रिमूव के लिए मैं सिर्फ ये रुई इस्तेमाल करती हूँ। तो अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। ओ माय गॉड कितना क्यूट है। क्रिसमस ट्री तो सज गया है और ये रहेगा अभी न्यू ईयर तक। तो चलिए अभी मैं खाना बना लूँ। तो आज मैं खाना में जो बनाऊंगी, पालंग साग मूला आलू देके और फूल गोभी फ्राई, राइस हो गया है, दाल हो गया है, तो चलिए अभी मैं खाना बना लूँ। शाम का टाइम, दोपहर में ना मैं खाना खा के सो गई थी तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं किया, और अभी इवनिंग टाइम है, मेरा जो दोस्त शाम का पूजा देना होता है ना वो हो गया है, तुलसी मंदिर में मैंने एक कैंडल जलाया है। और आज बाहर बहुत ठंड है, फिर भी मैं वर्क करती हूँ रोज़, मतलब आधा घंटा जैसे मैं वर्क करती हूँ घर से लेके बाहर तक, बाहर मतलब एकदम बाहर नहीं जाती हूँ। तो अभी आधा घंटा हो गया है, आधा घंटे से वर्क कर रही हूँ, तो चलिए अभी घर जाते हैं। घर में शांति है, घर में बहुत
गर्मी है, मतलब मैं जो विंडो है ना वो सुबह का बंद करती हूँ और अभी तक बंद ही है। और सभी ऐसे ही करते हैं। तो कल शैम्पू करूंगी, इसलिए बालों में मैंने ऑयल लगाया है। और आज खाने में मेरा कुछ भी बनाना नहीं है, अभी तो 6 ही बज रहा है, तो 9 बजे मैं खाना बनाऊंगी। मतलब आलू और अनियन देके फ्राई करूंगी, क्योंकि सुमन 2-3 दिनों से रात में राइस खा रहा है, तो इसलिए। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, और स्पेशली मेरा क्रिसमस ट्री कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।